भाई बच्चों के बिना ना कसम से बिल्कुल भी मन नहीं करता। मछली बेशक बना रहा हूँ लेकिन बच्चों की बहुत याद आ रही है यार। काश मैं घर पे रहता तो मैं बनाता तो मेरे बच्चे भी खाते। बहुत तकलीफ होती है, सच्ची बताऊँ बनाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों हमने पूरा प्याज डाल दिया है और प्याज को अब करीब 10 मिनट तक इसको भूनते हैं। हाय फ्रेंड, आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं। दोस्तों आज है संडे और आज संडे के दिन मैं गया था घूमने और घूम कर आ गया और मैंने आज मछली लाया हुआ है, फिश लाया है। तो मछली कैसे बनाई जाती है मुझे आता है, क्योंकि दोस्तों मैं आज 10 साल 12 साल हो गए मैं बाहर में रहता हूँ। जानते हैं पेट पपिया पैसे के लिए लोग सात समंदर पार चले जाते हैं और मैं दिल्ली में इस टाइम हरियाणा में हूँ और आज मैं आप सभी लोगों को फिश बनाकर दिखाऊंगा अपने चैनल पे, अपने ब्लॉग पे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं आप सभी लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने इस भाई को थोड़ा सा बस आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आज क्या है कि मैं फिश बनाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे फिश बनाई जाती है। तो कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच करते रहें। तो फ्रेंड मैं गया हुआ था मार्केट में, तो मैं बैग लेके जाता हूँ क्योंकि मेरा सारा इंस्ट्रूमेंट इसी में रहता है और फीस जो है इसी में है। और साथियों मैं खोलता हूँ बैग और निकालते हैं फीस को। इसी में मतलब भर लिया था क्योंकि जगह नहीं थी ना दोस्तों, बड़ा प्रॉब्लम होता है समझ सकते हैं। तो ये रहा हमारा फीस और ये 800 ग्राम फीस है। तो दोस्तों इसको खोलते हैं और धोते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये रहा कुछ बर्तन और निकालते हैं और धोते हैं, पहले मछली धोते हैं उसके बाद चलो इसी में मतलब धो लेंगे। इधर भी दोस्तों कढ़ाई है और ये भी कढ़ाई है, तो ये टूटा हुआ है और चलते हैं अपना धो देते हैं सबसे पहले। चलते हैं पानी लाने। तो इधर साथी को टोटी है और यहाँ से पानी ऑन करते हैं हम। तो दोस्तों हम पानी भर रहे हैं, अब देखते रहें और आज बनाते हैं फिश, आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं हम। दोस्तों इसको क्या है कि अब एक थाली में मतलब खोल के निकालते हैं सबसे पहले। तो साथियों हमने फीस निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, और इसको अब मैं चलता हूँ इसमें धोने। दोस्तों ये जो फीस है ये 800 ग्राम है, क्योंकि दोस्तों हम दो जने हैं तो 800 ग्राम हमारे बीच में मतलब काफ़ी है। दोस्तों हम बाहर में रहते हैं और बाहर में हमें अपने हाथों से खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि साथियों हम अपने बच्चों को यहाँ पे 3-4 बार लाए और उनको पानी सूट करता नहीं है और वो बीमार हो जाते हैं, बड़ा समस्या होता है। ये लगा लीजिए कि मैं 3-4 बार लेकर आया और पानी सूट करता ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, उनको मजबूरन मतलब गांव में छोड़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो पानी है ना वो एकदम बिल्कुल सही नहीं है। तो फ्रेंड इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी लिया हुआ है और नमक लिया हुआ है और मैंने लगा दिया और इधर मछली मैं डाल रहा हूँ। दोस्तों हम शहर में अपने हाथों से ही मछली बनाते हैं और जैसा भी लगे आप बताइएगा कमेंट करके। तो फाइनली दोस्तों हमने फीस जो है वो ताल लिया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे प्याज है और प्याज को हम गिलास में थोड़ा सा इसको कूट लेते हैं क्योंकि हमारे पास दोस्तों मशीन नहीं है ना। तालने का तरीका सिर्फ यही है कि थोड़ा सा नमक डालिए, हल्दी डालिए और उसके बाद तालिए और अच्छे से तालिए। तो साथियों मैंने प्याज है इसको मैंने बेलन से कुछ कर महीन कर लिया है और इधर फीस है और इधर मैंने कढ़ाई बैठाया हुआ था जिसमें ताला था, अब उसी से हम अपना छौका लगा देंगे और बने रहें कंटिन्यू। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस भाई को। भाई बच्चों के बिना ना कसम से बिल्कुल भी मन नहीं करता। मछली बेशक बना रहा हूँ लेकिन बच्चों की बहुत याद आ रही है यार। काश मैं घर पे रहता तो मैं बनाता तो मेरे बच्चे भी खाते। बहुत तकलीफ़ होती है, सच्ची बताऊँ बनाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों मैंने गैस ऑन कर लिया है और कढ़ाई में तेल हमारा चल रहा है और यहाँ पे तेज पाता है और इसको पहले डालते हैं, बने रहें इस वीडियो में। तो हमने इसको डाल दिया है। अब दोस्तों ये प्याज है, इस प्याज को भी डालते हैं क्योंकि वो रेड हो चुका है। तो दोस्तों हमने पूरा प्याज डाल दिया है और प्याज को अब करीब 10 मिनट तक इसको भूनते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हमारा
थोड़ा रेड हो चुका है और इसको हमने अच्छे से भून लिया है। और इसमें दोस्तों अब हम सबसे पहले अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। बाकी दोस्तों आपकी इच्छा, आप टमाटर अगर खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि साथियों मुझे कुकिंग बहुत अच्छे से आती है तो सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा कुक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं ब्लॉग बना के। दोस्तों टमाटर और प्याज को स्पून के सहारे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, और अगर आप ऐसे बनाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट बनती है खीर। हमने कई बार ये बनाया हुआ है, बहुत स्वादिष्ट बनती है ऐसे, तो ऐसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कम पैसों में आप बना सकते हैं बहुत अच्छा भोजन। दोस्तों हमने एक एवरेस्ट जो मसाला है अभी अभी मैंने डाल दिया है, और इसमें आपको अब थोड़ा सा ऐड करना है हल्दी। आप हल्दी अपने स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। और ये रहा दोस्तों, हम हल्दी निकाल रहे हैं और हमने हल्दी भी ऐड कर दिया इसमें, और इसको अब थोड़ा सा भूनते हैं मसाला को। अब अच्छा से मसाला भून जाएगा तो फिर नमक हम डालेंगे इसमें। साथियों आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो है वो अच्छे से अब भून गया है, क्योंकि करीब 5 मिनट हो गया है लगभग। और अब इसमें हम दोस्तों ये रहा नमक, और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये अब इसमें नमक मैं ऐड करता हूँ, बाद में थोड़ा बहुत कम भी रहता है दोस्तों तो अपना बाद में डाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो साथियों पूरा मसाला भून गया है, और अब इसमें हम डालते हैं पानी, क्योंकि अच्छे से हमने मसाले को भून दिया है। तो दोस्तों अब इसमें मैं अपना फिश डाल रहा हूँ, और एक पीस और है और इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। साथियों आप देख सकते हैं अब इसको ज़्यादा नहीं, करीब 15 मिनट में हमारा जो रेसिपी है वो तैयार हो जाएगा। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि रेसिपी बनाने का ना यही तरीका होता है बढ़िया। तो फ्रेंड हमने मछली तो बना लिया है, अब रोटी मैं सेक रहा हूँ, और यहाँ रोटी हमारी बन गई है आप देख सकते हैं। और अब थोड़ी देर में मतलब दोस्तों हम खाना अपना खाएँगे। तो साथियों हमने रोटी बना लिया, क्या करें देख रहे हैं ये जली सली रोटी हमने बना लिया है, क्योंकि यार रोटी बनाने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, क्या करें भाई बाहर में अकेले नहीं बना पाते सही से। तो फाइनली दोस्तों हमने फिश बना लिया है और अब हम खाना खा रहे हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।